हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम हलवाई स्टाइल, एकदम दानेदार और नरम स्वादिष्ट सूजी के लड्डू। ये मिठाई बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, इसे कोई भी आसानी से बना लेगा। यह मिठाई मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दानेदार और नरम स्वादिष्ट सूजी के लड्डू। तो सबसे पहले कोई कढ़ाई या फिर पैन ले लीजिए और उसमें 2 चम्मच घी डालेंगे और साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1/2 कप उबला हुआ दूध। ये सिंपल मैंने उबला हुआ दूध लिया है रूम टेम्परेचर पर, ना ही ठंडा ना ही गर्म। और साथ ही यहाँ पे डालेंगे 2 कप मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह पका लेंगे। तो इसे लगातार हम लोग चलाते हुए लो फ्लेम में पकाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे। यदि आपको अचानक से कुछ मीठा खाने को मन करे तो झटपट से ये लड्डू बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। ना ही कोई चाशनी की झंझट है और ना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेजरमेंट थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो इसे ऐसे ही चलाते हुए कुछ देर और पका लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे मिश्रण थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर अपने गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई, डालेंगे 1/2 कप देसी घी। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो इसमें अपने कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे हमारे लड्डू में बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब सा स्वाद आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे गैस ऑफ कर लेते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर उसी कढ़ाई में डालेंगे 1/2 कप घी और डाल देंगे और साथ ही डालेंगे 2 कप सूजी। अब यहाँ गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और इसे धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लेंगे। सूजी को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल दानेदार और बिल्कुल नर्म स्वादिष्ट लड्डू बनकर हमारे तैयार होंगे, जिसे बड़े बच्चे सभी बहुत पसंद करेंगे। घर में रखी चीज़ों से ये लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर करें, बहुत ही लाजवाब से लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सूजी का कलर चेंज होने लगा है और साथ ही यहाँ पे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब यहाँ पे डालेंगे 2 बड़े चम्मच उबला हुआ दूध और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूध डालकर इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो यहाँ पे सूजी अच्छी तरह भुन चुकी है। अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। हमें इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का ही ठंडा करना है। तो यहाँ पर मिश्रण हल्का ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे डालेंगे 1 कप मावा जो हमने यहाँ पे तैयार करके रखा था और साथ ही डालेंगे तले हुए ड्राई फ्रूट्स। आप डालेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से हमारे लड्डू में बहुत ही लाजवाब सा स्वाद आएगा। और आप इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। और आप यहाँ पे डालेंगे 1.5 कप पिसी हुई चीनी। चीनी को आप कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अब इसे हाथों के सहायता से अच्छी तरह मिला लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पे इसे अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसके लड्डू बना लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा तैयार हो चुका है स्वादिष्ट एकदम हलवाई स्टाइल दानेदार रवा लड्डू। यदि आपको रेसिपी पसंद आती हो तो हमारे इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही लाजवाब रेसिपी के साथ।